हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है आम पन्ना बनाना। तो आइए बिल्कुल आसान तरीके से हम आम पन्ना की रेसिपी बनाते हैं। आम पन्ना बनाने के लिए ये हमने कच्चे आम लिए हैं, इनको हमने छील लिया है और इस प्रकार से कट कर लिया है। और ये हमने 1 कप पानी लिया है, ये पुदीना लिया है हमने, 2 मुट्ठी के आसपास पुदीना है, 500 ग्राम हमने चीनी ली है और 1 बड़ा चम्मच हमने काला नमक और 1 बड़ा चम्मच हमने सफेद नमक लिया है और ये 1 बड़ा चम्मच हमने जीरा भुना हुआ लिया है, 1/2 चम्मच हमने इलायची पाउडर लिया है और 1/2 चम्मच हमने काली मिर्च ली है। आज हम बिल्कुल सिंपल तरीके से आम पन्ना बनाएंगे, वो भी बिना उबाले। तो आइए स्टार्ट करते हैं आम पन्ना बनाना। ये मैंने 1 पतीला लिया है और गैस को मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें 1 कप पानी डालूंगी और मैं चाशनी बनने के लिए रख देती हूँ। ये 500 ग्राम चीनी मैं इसमें डाल दूंगी और चीनी को मैं मेल्ट होने तक पकने दूंगी। जब तक हमारी चीनी मेल्ट होती है तब तक मैं ये कच्चे आम की गिरियों को, मिक्सी का जार लिया है, मैं आम को बॉईल नहीं करूंगी, सीधा ही मैं मिक्सी के जार में इसे पीस लूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, ये मैंने 1 कप पानी फिर से लिया है, इसे मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। और ये हमारे कच्चे आम पीसकर तैयार हो चुके और इधर हमारी ये चीनी मेल्ट होने लगी है, इसे मैं और मेल्ट होने दूंगी चीनी को। चीनी हमारे अच्छे से पानी में घुल चुकी है। अब मैं ये जो मैंने मिक्सी के जार में कच्चे आम पीसे हैं ये भी मैं इसी में डाल दूंगी और बाकी बचे हुए आम भी मैं पीस लूंगी। अब मैं बाकी बचे हुए आम भी इसमें पीस लेती हूँ, साथ ही मैं इसमें ये पुदीना डाल दूंगी और इसमें बचा हुआ पानी डाल दूंगी और इसे मैं पीस लेती हूँ फिर से। और ये भी हमारा पीस के तैयार हो गया है, पुदीने का कलर भी बहुत अच्छा आया है और इसे भी मैं इसमें डाल दूंगी। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, थोड़ा सा पानी और डालूंगी मैं इसमें और इसे मैं 1 तार की चाशनी तक मैं इसे पकने दूंगी। मैंने 500 ग्राम ही चीनी और 500 ही ग्राम मैंने कच्चे आम लिए थे और अब मैं इसके अंदर ये काला नमक डाल दूंगी और सफेद नमक डालूंगी, काली मिर्च, भुना हुआ जीरा और ये मैंने पिसी हुई इलायची पाउडर लिया है और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आम पन्ना की रेसिपी बताई है आपको। और ये हमारा आम पन्ना अच्छे से पककर तैयार हो चुका है। अब मैंने ये 1 डली गुड़ की ली है जिसको मैंने बारीक क्रश कर लिया है, इस गुड़ की डली को भी मैं इसमें डाल दूंगी, इससे टेस्ट में बढ़िया फ्लेवर आएगा इसका। और इसे मैं 1 से 2 मिनट तक और पकने दूंगी। हमारा आम पन्ना बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसे गैस को बंद कर दूंगी और आम पन्ने को 1 कटोरी में मैं निकाल लूंगी ठंडा होने के लिए। ये हमारा आम पन्ना ठंडा हो चुका है, मैं गिलास के अंदर पानी डालूंगी और 2 चम्मच के आसपास मैं इसमें आम पन्ना डाल दूंगी। और अब मैं इसके अंदर बर्फ डालूंगी हमारा आम पन्ना बनकर तैयार हो चुका है। ये हमारा आम पन्ना बनकर
तैयार हो चुका है। आप इसे गर्मियों में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे साल भर के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसे लू से बचने के लिए आमपन्ना बनाना जरूरी है। ये सेहत के लिए सबसे बढ़िया है। आप इसे जरूर ट्राई करें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।